हेलो फ्रेंड्स, एजु मंत्रा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं रवि सर, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर। आज हमें करनी है शुरुआत उस सपने को हकीकत में बदलने की जिसे आपने अपने दिल में संजोया हुआ है। जी हाँ, एक उम्दा बेस्ट एजेंसी मेडिकल प्रोफेशनल बनने का जो सपना है उसकी शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में आज देखेंगे। सपने जैसे हमें मालूम है हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम जो लोग हैं अपने सपने को हकीकत का चोला पहना पाते हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हर सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी है उसकी तैयारी नहीं होती या कर नहीं पाते हैं। और दूसरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है कि यस, तैयारी तो है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसके लिए मेहनत की जाती है लेकिन एजेंसी जो मंजिल है कुछ कदम पीछे एजेंसी आपको रोक देती है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका और हमारा जो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का यही फायदा है कि हम आपके सपने को मिल के पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश में आपका और हमारा दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है कि व्हाट विल बी योर रोल एंड व्हाट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस सो दैट यू ऑल विल बी अचीविंग दैट सक्सेस। और कहा जाता है कि एक ऐसी एक अच्छी शुरुआत अगर होती है तो गुड बिगिन इज हाफ डन, यानी कि आधा काम आपका एक ऐसी सक्सेसफुल हो गया है। और उसी से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छे मेडिकल एजेंसी कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है नीट में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स, एजेंसी फुल स्कोर तो नेचुरली उससे आगे तो आपको मिलेगा नहीं, द बेस्ट मार्क्स आप स्कोर करना है। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका रोल क्या रहेगा, आपको करना क्या है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, और अगले सेशंस जितने भी रहेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट आपके सामने ज़रूर मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक ऐसी शुरुआत जो आपके ड्रीम को एक ऐसी हकीकत में बदलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। तो स्ट्रेटेजी फॉर नीट प्रिपरेशन, तो ऑल यू नीड इज टू प्रिपेयर। तो आपको अगर नीट दे रहे हैं, आपको तीन सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज फिजिक्स, दैट यू नो पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री एंड बी फॉर बायोलॉजी। तो पी सी बी को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दीज थ्री सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सबसे पहला जो आपका स्टेप है या आइडियोलॉजी है, आपको पीसीबी ही चाहिए। तो पीसीबी प्रिपेयर करने के लिए आपको पीसीबी होना चाहिए, आपके पास पीसीबी होना चाहिए। तो ये पीसीबी क्या है? तो पहले चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है पैशन। लाइए आपको करना है, आपको डॉक्टर बनना ही है। ओके, तो ये पैशन लाइए, इसमें कॉन्फिडेंस आपका हाई रहना चाहिए। साथ में सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। तो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? तो इसके लिए नेचुरली जो भी रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, आपका सेल्फ स्टडी हो गया, या जो लेक्चर्स आप लोग एजेंसी फॉलो करेंगे, तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपका खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लर्निंग एजेंसी में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि नीट के लिए नेचुरली कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या एजेंसी ध्यान रखना है, कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, आज भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ ही तो बोलते हैं, बिलीफ इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। अगर आप में बिलीफ है, मतलब विश्वास है, मन में है विश्वास कि डॉक्टर बनना है, तो नेचुरली एजेंसी हमें मालूम है ओके कि आप बन जाओगे, श्योर एंड शॉर्ट आप बन जाओगे। ओके, तो अच्छी शुरुआत, तो इसके लिए अच्छी शुरुआत करनी है। और अच्छी शुरुआत के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है, एक पैशन, कंसिस्टेंसी ऑफ योर वर्क, और तीसरा है बिलीफ। तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए, और फिर जिस विश्वास से आप हमारे साथ जुड़े हुए, टीम एजु मंत्रा के साथ जुड़े हुए, उसको भी आपको कहें बिलीफ, विश्वास करना पड़ेगा। और हमारे दिए हुए हर एजेंसी मेंटर जो आपके सामने आएंगे, उनके दिए हुए एजेंसी को जो नोट्स है, इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करोगे, तो सक्सेस जो है वो आप ऐसा अचीव करोगे जो अनइमेजिनेबल रहेगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे नेचुरली
बोलते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि यू कैन सी वेल बिगिन, अगर अच्छी शुरुआत होती है तो आधा काम हो जाता है, हाफ डन कहते हैं। तो वेल बिगिन इज ऑलवेज हाफ डन। तो वही शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और इसको पूरे 2 साल तक का, जब तक आपका नीट एग्जामिनेशन आप नहीं देते हैं, आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। ओके, सक्सेस विल बी इन योर पॉकेट। ओके, और इसके लिए अल्टीमेटली हमारा विजन 2022 जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, इनरोल कीजिए फटाफट। ओके, और इसके थ्रू नेचुरली आपको अमेजिंग यू कैन सी व्हाट चीज़ें मिलेंगी, जो आपको नेचुरली आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए या उसको हकीकत में लाने के लिए ज़रूरी होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि आपका टारगेट क्या है। तो व्हाट इज टारगेट? तो टारगेट है आपको 90 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्रैक करना है, और हर MCQ अगर राइट आपने क्रैक कर दिया, चूज किया करेक्ट आंसर, तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि टोटल 90 × 4 मार्क्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी सिंपल 360 आपका टारगेट है। क्योंकि आज मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी इंटू 4 मार्क्स यू विल गेट 360, यू कैन सी। तो बायोलॉजी का स्टडी कैसे करना है, हाउ विल बिगिन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, आज मैं आपको यू कैन सी बताने वाला हूँ। ओके, चलिए अभी सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपके नीट पेपर में जो 90 क्वेश्चंस हैं, ये 90 क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। तो वेरी यू कैन सी व्हाट, बहुत सारे यू कैन सी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई बहुत ही डरावने क्वेश्चंस आएंगे, हाई लेवल के आएंगे। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं, आप चाहे तो ऐसा कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चन जो हमारे ऐप में लोड होंगे उसको जस्ट देखिए, एक बार खाली देखिए। ओके, आप देखो, अरे ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस है जो शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, उससे ही रिलेटेड होंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट यू कैन सी इज वेरी इजी खाली, हाँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो है नेचुरली थोड़े से नेचुरली हायर लेवल के होते हैं, उन पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, और उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एक कंसेप्ट पे, यानी कि बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ही वो आएगा। ओके, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इट कैन बी ट्रिकी, क्योंकि जनरली आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन के सामने आपके चारों आंसर्स मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आंसर राइट आंसर आपके सामने है, लेकिन उसको जज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सब मैं सब ये चीजें आपको बताऊंगा समय समय पे कि एमसीक्यू को जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो किस तरह उसको प्रिपेयर करना है, और मेरे टेक्निक को अगर आपने फॉलो कर लिया या पकड़ लिया, नेचुरली यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को क्या है आसानी से क्रैक कर पाओगे। ओके, दैट इज माई गारंटी। ओके, फिर तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे रेस्पिरेशन भी मालूम होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस भी मालूम होना चाहिए, या रेस्पिरेशन में भी नेचुरली आपका यू कैन सी एनोरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग और स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन, यही थोड़े डरावने होते हैं। ओके, जो चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट, कभी कभी 2 अलग अलग चैप्टर्स 3 अलग अलग चैप्टर्स का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो ही जाके आप इसको अच्छी तरह क्रैक कर सकते हैं, या राइट आंसर, क्योंकि राइट आंसर किस तरह फाइंड करना है वही सबसे बड़ा यू कैन सी व्हाट फंडा या टेक्निक आपको डेवलप करना है, जिसके बारे में मैं आपको श्योर यू कैन सी व्हाट ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, इन द अपकमिंग यू कैन सी लेक्चर्स। लेकिन अभी 90 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन हर लेवल के आने वाले हैं, तो इधर हम लोग इसको ऐसे भी सोचते हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो लेवल 1 जो है मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन, एक्चुअली इजी टाइप के क्वेश्चंस। ओके, वेरी सिंपल पॉपर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, 90 में से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आर अबाउट द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जो एक ही कंसेप्ट पे डिपेंड होता है, यानी कि अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो इनको तो आप फटाफट एक एनसी बोर्ड पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये 30 क्वेश्चन जो है 90 में से, ओके, वो स्किल्ड बेस्ड होता है, थोड़ा सा मॉडरेट, इसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, और जनरली
10 क्वेश्चंस के आसपास। तो ये देखिए एकदम हार्ड एंड फास्ट, इनके 50 रहेगा 30 रहेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कैटेगरी में। तो 10 क्वेश्चन जो है वो होते हैं थोड़े चैलेंजिंग टाइप, ओके, जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करना है। तो इसके लिए आपका नॉलेज लेवल या कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक छोटे से एक सिंगल शब्द के डिफरेंस, हर शब्द जो हर वर्ड है आपका, उसको नॉलेज होगा तो ही आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब है कम से कम 50, ये ऊपर के 50 और 30 यानी कि 80 क्वेश्चन जो है वो तो आप आसानी से क्रैक कर पाओगे, खाली आपको 10 वो स्पेशल क्वेश्चन जो है इन पे यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपको फुल नीट में मार्क्स मिला क्या नहीं मिलेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। और उसका वैकेंसी आपको जो तैयारी करनी है उसके बारे में मैं हूँ, ओके, और हमारी टीम है जो आपको बताएगी कि ये सब चीज़ आपको करना कैसे है टॉपिक वाइज, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, चैप्टर वाइज कर रहे हैं या अपने अंदाजे से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 10 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका थियरी एग्जामिनेशन का भी तैयारी है आपको, ओके, तो थियरी के लिए थोड़ा अलग रूल है, लेकिन अगर आप नीट लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इन 10 स्पेशल वैकेंसी एस्पेक्ट जो है, यानी कि चैप्टर वाइज कीजिए या टॉपिक वाइज कीजिए, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो पहला जो आपका एस्पेक्ट है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड जो आपके हर चैप्टर में आ रहा है, साइंटिफिक वर्ड और स्टेटमेंट, जैसे नियम है, मेंडल्स लॉ है उसका नियम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, इसके बारे में आपको मालूम चाहिए, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए, इसी से शुरुआत होती है। कंपैरिजन एंड डिस्टिंग्विशिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन स्टेटमेंट है, तो जैसे आर्टरीज वेन का डिफरेंस, वेन कैपिलरीज का डिफरेंस, ओके, अबायोटिक अबायोटिक बायोटिक फैक्टर का, एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसका डिफरेंसेस, लीवर और स्टमक में क्या डिफरेंस है, तो जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस है वो सब आपको मालूम होना चाहिए, ओके, तो उस पर भी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन। फिर डायग्राम, एवरी डायग्राम विद प्रॉपर लेबल एंड जितने भी पिक्चर्स आपके पूरे एनसीईआरटी में, क्योंकि जितने भी डायग्राम्स हैं ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के सीबीएसई के जो टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं उनमें जो पिक्चर या डायग्राम होगा उसी में से आएगा, ओके, तो आपको किसी दूसरे रेफरेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन विल बी एनसीईआरटी, आईयूसी का सिंपलीफाइड फॉर्म होगा, तो आपको करेक्ट हर डायग्राम को ठीक से एनालिसिस करना है और उसमें जितने पॉसिबल लेबल्स है सब आपको मानना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक में है वो तो मालूम होना चाहिए, एडिशनल जो लेबल्स है या एडिशनल जो एस्पेक्ट है हर डायग्राम का वो हम लोग बताएंगे आपको नीट सेशन में। फिर जितने भी रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी टेबल्स है, जितने भी फ्लो चार्ट दिए हुए हैं आपके पूरे एजेंसी एनसीईआरटी बुक्स में, उसको आपको फॉलो करना है कि उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, और आते हैं। फिर जितने भी एग्जांपल है, जैसे आपको बोलेंगे एजेंसी व्हाट आपका ब्लड वेसल के एग्जांपल बताइए, ओके, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके एग्जांपल बताइए, ओके, एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जांपल बताइए, ओके, हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल बताइए, तो जितने भी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में है वो तो, ये तो जीके जैसा एस्पेक्ट हो गया। फिर हर वर्ड का सिनोनिम होता है, मतलब यू कैन सी अल्टरनेट वर्ड होता है, ओके, ये भी आपको मालूम चाहिए। एब्रीविएशन जैसे है WHO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी एब्रीविएशन पूरे यू कैन सी आपके टेक्स्ट बुक में है उसका नॉलेज, थोरो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ओके। फिर टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स जितने भी पढ़ते हैं, ओके, तो उसके बारे में आपको यू कैन सी प्रिपरेशन करना है, ओके, उस पर ध्यान देना है। फिर तो जितने भी लाइफ एक्टिविटी है उसके स्टेजेस या प्रोसेस या स्टेप, जैसे फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स क्या है, डाइजेशन के स्टेप्स क्या है, आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप, तो सबसे पहले मेन स्टेप्स आपको कर लेना है, फिर मेन स्टेप के अंदर जो सब स्टेजेस है उसको आपको एक बार एजेंसी वॉर्ड देख लेना है, ओके। फिर नेक्स्ट है मेन फीचर, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, तो ये सारे टाइप के एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, तो ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ओके, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका क्या है, अगर आप 11th की बात करोगे तो आपके जैसे हर जो प्लांट और एनिमल का ग्रुप है उसके सेलियंट फीचर्स होते हैं, ओके, जैसे एनालिडा शॉर्ट बॉडीड एनिमल है, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड यू कैन सी लेग्स वाले एनिमल्स, और भी स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक एक्चुअली डिस्टिंक्ट यू कैन सी फीचर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ओके।
देन फिर जितने भी वैल्यूज है, रिलेशनशिप्स है, फॉर्मूलाज है जो आपको पूरे टेक्स्ट बुक में स्कैटर्ड दिखेगा, जैसे ब्लड की बात में करते हैं, आरबीसीज है, पूरे वर्ल्ड में कितने प्लांट्स है, अप्रॉक्सिमेटली कितने एनिमल्स है, ये जो फिगर है, और ये फिगर आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसको फॉलो करना है। तो पूरे के पूरे एक एनसी डिस्क्रिप्शन ये दिख रहा है कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी कंटेंट है उसको आपको रीड करना है, ओके, उसको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर लास्ट में, हर टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे किसी बायोलॉजिस्ट, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर साइंटिस्ट का नाम है तो उसके साथ में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका वर्क, उसने क्या काम किया है। जैसे हिल एकेंसी, रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट एकेंसी हुक ने सेल वर्ड को एकेंसी सबसे पहले प्रपोज किया था, उन्होंने वर्ड सेल तैयार किया है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करके उसको नाम दिया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको करनी है। और दोस्तों, जब आप बायोलॉजी का स्टडी करते हो तो उसमें सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप इन 10 एस्पेक्ट, ये जितने भी 10 एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन 10 एस्पेक्ट का अगर आप खुद से नोट्स तैयार करते हो, या तो चैप्टर वाइज, यानी कि एक चैप्टर को लेंगे आप, ओके, तो इसका भी गाइडेंस मैं आपको जरूर दूंगा कि एक चैप्टर लीजिए, पहला चैप्टर जैसे लिविंग वर्ल्ड, इसमें जितने भी वर्ड्स, जितने भी डेफिनेशंस है सबका आप एक ऐसी नोट बना लीजिए, उसके बाद में कंपैरिजन जितने भी पॉसिबल है उसका कीजिए, उसमें जितने भी डायग्राम लेवल है उसका एक बना लीजिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी में खुद से अगर नोट्स बनाते हो तो ये नोट्स है कि हम हमारे तरफ से भी आपको रिटर्न नोट्स मिलने वाले हैं। लेकिन साथ में होता क्या है कि लर्निंग का एक एस्पेक्ट होता है कि अगर आप वैकेंसी खाली पढ़ोगे तो उससे आपको जो नॉलेज मिलेगा, मतलब रिकॉल जो होता है, ओके, वो कम रहता है। लेकिन जब खुद से कुछ प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो आपको मालूम है। तो थोड़ा सा खुद से भी जब चीज़ें आप करते हो तो उससे वो चीज़ आपके दिमाग में न केवल स्टोर होती है, लेकिन जब जरूरत है कि भाई वैकेंसी, जब आपको उसका आंसर रिकॉल करने की जरूरत है तो वो जल्दी वैकेंसी वाट आपका दिमाग आपको बता देता है। तो दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें। तो इन सबको प्रिपेयर कैसे करना है तो इसके बारे में गाइडेंस आपको मिलेगा इन अवर वैकेंसी बॉट चैनल, इन अवर वैकेंसी ऐप आपको मिलेगा, ओके। चलिए, अब आज का है कि फर्स्ट शुरुआत, आप बेसिक अभी शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये चार गोल्डन वैकेंसी रूल्स है, इसका शॉर्टकट मैंने बनाया है REDS, मतलब रेड्स, ओके, लाल्स बोल सकते हैं। तो ये चार एस्पेक्ट आपको करना है, ओके। तो इसका डिटेल, हर एस्पेक्ट आपको करना कैसे है, ये मैं चीज सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ओके, और कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन से बुक्स रेफरल करने हैं, ये सब भी आपको बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है रीड द कंटेंट मैटर। तो आपका सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, कि आप टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, वर्ड टू वर्ड रीड कीजिए, क्योंकि टेक्निकली every sentence of your test book can be converted into MCQs, very simple, okay। और आपका देखिए, आप लोगों ने 10th कर चुका है तो WH type of आपने question, grammar question, English में grammar question आता है, frame a WH type का question, okay, जिसमें एक sentence देंगे तो आपको WH, इतना तो basic knowledge आपको है कि एक जो statement है उसको किस तरह question में convert कर सकते हैं। और आपका knowledge मुझे 100% मालूम है, आप खुद भी खुद MCQ तैयार भी कर सकते हैं, और ऐसा भी आप कीजिए, एक दूसरे को अगर आप हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली उससे भी नेचुरली खुद का आपका नॉलेज भी एनालिसिस होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो सब और भी चीज़ें कैसे मुझे आपसे शेयर करनी है, ओके। तो आज तो रीड कीजिए कंटेंट मैटर थोरोली, और जब आप रीड कर रहे हैं उसी टाइम पे नेचुरली इंपॉर्टेंट चीज़ों आपको मालूम है, जो मैंने आपको बोला कौन सा डेफिनेशन है, कौन सा यूज है, जो मैंने चार वो 10 चीज़ें आपको वैकेंसी बताई फोकस करने, तो उस एस्पेक्ट के हिसाब से आपको हाईलाइट मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, विच यू फील वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंस है कि आप हर एस्पेक्ट को जब पढ़ेंगे तो समझ आएंगे कि ये आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर डाउट्स आएगा तो नेचुरली पढ़ने के टाइम पे कोई वर्ड आपको नहीं समझा, कंसेप्ट नहीं समझा, तो हम लोग क्यों हैं, तो वी आर देयर फॉर दैट डाउट क्लैरिफिकेशन। और जब भी हमारा लाइव सेशन होगा तो प्लीज प्लीज आप अपने एकेंसी अच्छे डाउट्स हमको बताइए, और एकेंसी ऑनेस्टली बताइए, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट उसी सेशन में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो हमारे ऐप सेशन है, ओके, स्पेशल सेशन विल बी देयर, क्योंकि डाउट जो है यही सबसे बड़ा वैकेंसी ब्रेक लग जाता है हमारे स्टडी में, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हो जाता है लिथार्जी, ओके, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसके लिए कोई भी छोटा से छोटा डाउट जो है आपको सॉल्व करना है, तो डाउट सॉल्व कैसे करना है ये भी हमको, मैं आपको बताऊंगा इसका सीक्वेंस क्या है डाउट सॉल्व करने का, ताकि आपका सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए तो दूसरा है, जो हमारे एकेंसी यूट्यूब चैनल्स के हमारे वीडियोस है उसको भी आप एकेंसी ईमानदारी से देखिए, उसमें भी आपको नेचुरली लर्निंग के बहुत सारे
आपको एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, ओके, ट्रिक्स मिल जाएंगे, ओके, और वहाँ पे नेचुरली हमने जो टॉपिक्स दिए हुए उसको पूरी ईमानदारी से नेचुरली नीट लेवल तक उसको एक्सप्लेन किया है, ओके, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है MCQ का, ये पूरा जो नीट का एग्जाम है पूरा MCQ बेस्ड है, तो आपको MCQ को कंसिस्टेंटली सॉल्व करते रहना है सॉल्व, और उसके लिए आपको रेगुलर इंटरवल में नेचुरली हमारे ऐप्स में या हमारे चैलेंज जिसके साथ आप जुड़े हो, तो आपको रेगुलर एकेंसी DPP एकेंसी 10-20 MCQ सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ओके। मेंटी सेशंस भी होंगे, ताकि MCQ हर टाइप के MCQ को हम लोग लेने वाले हैं तीनों लेवल को जो हमने अभी मैं आपको बताया हो, ताकि जितने ज़्यादा वैरायटी के MCQ आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और माइंड एकेंसी MCQs विल बी वेरी सिंपल, ओके, लेकिन खाली वही है कि ऑन द डे जो एकेंसी टी डे है जिस दिन आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे नेचुरली कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, तो उस पर भी नेचुरली हमारे सेशंस रहेंगे हाउ टू यू कैन सी बिहेव ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ओके। तो स्टूडेंट्स विद दिस टू फॉलो दिस 4 गोल्डन रूल्स एंड ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन टोल्ड ड्यूरिंग टुडे सेशन, 10 एस्पेक्ट जिसको आपको फोकस करना है, ओके, और नेचुरली PCB को फॉलो कीजिए, ओके, पैशन हो गया आपका, कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीफ। तो विद दिस यू कैन सी आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आई विल कम अप विद मोर यू कैन सी टिप्स, क्योंकि हमें अभी खाली शुरुआत करनी है और शुरुआत को हमें अंजाम तक पहुँचाना है, उसके लिए बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी तरफ से गारंटी है कि जिस यू कैन सी बिलीफ को या जिस ड्रीम को आप ले कर चले हैं उसे हम टारगेट तक जरूर पहुँचाएंगे, अच्छा और सक्सेसफुल यू कैन सी वॉट आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। ये हमारा टीम जो है ये इसके लिए ही जनरेट किया गया है। और सबसे एक लास्ट में आपको एक बताना चाहता हूँ जो मुझे मेरे मेंटर से सिखाया है कि गुड वर्क, अच्छा काम, गुड वर्क इज ऑलवेज मोर वर्क एंड मोर वर्क विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, सब आपको मिलेगा, लेकिन गुड वर्क शुरुआत होगी, गुड वर्क आपका है, गुड डॉक्टर बनना है, गुड वर्क मोर इनकम बोलिए, ओके, मोर रेस्पेक्ट बोलिए, ओके स्टूडेंट्स। विद दिस आज का सेशन कंप्लीट, नेक्स्ट सेशन एक मोर इंटरेस्टिंग सेशन में फिर से हमारी भेंट होगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय फ्रॉम एजुमंत्रा।